हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे दैत्य हैं जिनकी भूख कभी नहीं मिटती। अपने आसपास आने वाले स्टार्स के अलावा ये दैत्य लाइट को भी निगल जाते हैं, और इसलिए गहरी कालिमा लिए इन दैत्यों को एस्ट्रोनॉमी में ब्लैक होल का नाम दिया गया है। बहुत बड़े स्टार्स के फटने से बने ये ब्लैक होल पूरे यूनिवर्स में बिखरे हुए हैं। अप्रैल 2019 में इंसानों ने लगभग असंभव काम कर दिखाया। ये काम था ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेना। 2012 में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक शेप डॉलमैन ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका मकसद ब्लैक होल की शेडो की तस्वीर लेना था। लेकिन इसे करने के लिए पूरे अर्थ के जितने बड़े टेलीस्कोप की जरूरत थी, जो कि नामुमकिन था। इसलिए डॉलमैन और उनकी टीम ने अर्थ में मौजूद अलग अलग जगहों पर बने टेलीस्कोप्स को इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया। इन्हें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का नाम दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स, चिली, मेक्सिको, स्पेन और एंटार्क्टिका में मौजूद इन टेलीस्कोप्स को इस तरह सिंक्रोनाइज किया गया जिससे वो एक ही वक्त पर एक ही ऑब्जेक्ट को देख सकें। वो ऑब्जेक्ट था हमारी अर्थ से 5.5 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सी M87 के बीचों बीच एक ब्लैक होल। ये M87 ब्लैक होल सूरज से तकरीबन 650 करोड़ गुना बड़ा है। अप्रैल 2017 से शुरू कर 2 सालों तक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स ने अपने ऑब्जर्वेशन के हजारों टेराबाइट के डेटा को इकट्ठा किया। इस डेटा को MIT की कंप्यूटर साइंटिस्ट केटी बाउमैन और उनकी टीम ने एनालाइज कर 10 अप्रैल 2019 के दिन दुनिया के सामने ब्लैक होल की पहली तस्वीर पेश की। ये हम इंसानों के सबसे बड़े कारनामों में से एक है। हमने न सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद इन ब्लैक होल्स को खोज निकाला, बल्कि आज हमारे पास इनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। हमारी फिजिक्स के समझ के बाहर ये ब्लैक होल्स हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। लेकिन कैसे हम इंसानों ने ब्लैक होल्स को खोज निकाला, ये कहानी बेहद रोमांचक है। आइए ये कहानी सुनते हैं। 1910 में अनडिवाइडेड इंडिया के लाहौर में जन्मे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वैज्ञानिक जगत में चांद की तरह जगमगाते हैं। बेहद पढ़े लिखे परिवार में जन्मे चंद्रशेखर बचपन से ही विज्ञान में रुचि रखते थे। उनके दादा मैथ्स के प्रोफेसर थे और चाचा सीवी रमन ने फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता था, यानी फूलों के उगने के लिए जमीन तैयार थी। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार चेन्नई, जिसे उस वक्त मद्रास के नाम से जाना जाता था, में जा बसा, और वहीं के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते वक्त सिर्फ 17 साल की उम्र में चंद्रशेखर के हाथ अंग्रेज वैज्ञानिक आर्थर एडिंगटन की किताब लगी, जिसका नाम था इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टार्स। एडिंगटन का शुमार अपने वक्त में दुनिया के बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट में होता था। इस किताब में एडिंगटन ने वाइट डॉर्फ, सफेद बौने स्टार्स की बात लिखी थी, जो एक बड़े स्टार के सिकुड़ने से डेंस होकर बनते हैं। लेकिन एडिंगटन ये नहीं जानते थे कि क्या ये स्टार सिकुड़कर खत्म हो जाएंगे। नौजवान चंद्रशेखर ने इन्हीं वाइट डॉर्फ्स को जानने की ठानी। एडिंगटन ने अपनी किताब में लिखा था कि सारे स्टार्स एक वक्त के बाद सिकुड़कर वाइट डॉर्फ बन जाते हैं, लेकिन कुछ स्टार्स बहुत बड़े विस्फोट में खत्म हो जाते हैं। चंद्रशेखर ने इस बारे में पढ़ते हुए एडिंगटन के ही साथी रैल्फ फाउलर की रिसर्च पढ़ी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सभी स्टार्स सिकुड़कर वाइट डॉर्फ बन जाते हैं और इसके पीछे की वजह शायद क्वांटम फिजिक्स है। 1930 में 20 साल के चंद्रशेखर स्कॉलरशिप लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रैल्फ फाउलर के अंडर PhD करने पहुंचे।
इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडिंगटन भी प्रोफेसर थे। मद्रास से कैम्ब्रिज तक की 18 दिन की यात्रा के दौरान शिप में सफर करते चंद्रशेखर ने अजूबा कर दिखाया। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल इक्वेशन से ये खोज निकाला कि हमारे सूरज से 1.4 गुना बड़ा कोई भी स्टार वाइट डॉर्फ नहीं बन सकता। इसे हम आज चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। तो फिर हमारे सूरज से 1.4 गुना बड़े स्टार सिकुड़कर क्या बनते हैं, ये बात उस वक्त तक चंद्रशेखर को भी नहीं पता थी। अपनी इस खोज की जानकारी जब उन्होंने एडिंगटन को बताई तो एडिंगटन ने 11 जनवरी 1935 के दिन रॉयल एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी की मीटिंग बुलाई, जहां चंद्रशेखर ने अपनी खोज वैज्ञानिक जगत के सामने रखी कि बेहद बड़े स्टार व्हाइट डॉर्फ होकर नहीं खत्म होते। ये जानकारी इतनी क्रांतिकारी थी कि उस वक्त की एस्ट्रोफिजिक्स को पूरी तरह से बदलना पड़ता। एडिंगटन शुरू में इस विचार से हैरान हुए, लेकिन बाद में उन्होंने चंद्रशेखर के इस आइडिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर और एडिंगटन के बीच ये बहस लंबे वक्त तक चलती रही। वैज्ञानिक जगत दो हिस्सों में बट गया। 1936 में चंद्रशेखर इस नोकझोंक से तंग होकर शिकागो यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एडिंगटन से बहस करते हुए नहीं बिताना चाहता, लेकिन फिर भी ये सवाल अभी तक खड़ा था कि बेहद बड़े स्टार्स अगर वाइट डॉर्फ नहीं बनते तो उनका क्या होता है। आर्थर एडिंगटन जनरल रिलेटिविटी को समझते थे और उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि बहुत बड़े स्टार्स जब अपने न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए अपना सारा फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो रेडिएट करते हुए सिकुड़ने लगते हैं। ये सिकुड़न इतनी भी हो सकती है कि इन स्टार्स का रेडियस कुछ किलोमीटर ही रह जाए। ऐसे जबरदस्त डेंस स्टार्स स्पेस टाइम की फैब्रिक में एक ऐसा छेद बना देते हैं जहां से लाइट तक ना निकल पाए। एडिंगटन का ये विचार उन्हें ठीक दिशा में लेकर जा रहा था, फिर भी उन्हें लगता था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एडिंगटन का ये विचार दरअसल न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स की तरफ एक इशारा था, लेकिन उन्हें खुद अपने इस विचार पर भरोसा नहीं था। 1934 में फ्रिट्ज ज्विकी और वाल्टर बार्ड नाम के दो वैज्ञानिकों ने माउंट विल्सन टेलीस्कोप की मदद से सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार्स के सबूत दुनिया के सामने रखे। दोनों ने ही बहुत बड़े स्टार्स के एक्सप्लोजन को सुपरनोवा का नाम दिया। 1572 में टीको ब्राहे ने ऐसे ही एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को आसमान में देखा था। 1932 में जेम्स चेडविक के न्यूट्रॉन्स की खोज के बाद फ्रिट्ज ज्विकी ने यह अंदाजा लगाया कि बड़े स्टार्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन से जब फटते हैं तो उनके एटम्स में कुछ मूलभूत बदलाव होते हैं, जैसे कि सुपरनोवा विस्फोट की ताकत इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में टक्कर पैदा कर उन्हें न्यूट्रॉन्स में बदल देती है, जिससे एक बेहद डेंस स्टार्स में सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही बाकी रह जाते हैं। ऐसे ही स्टार को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। अगले 20 साल ज्विकी और बार्ड ने अपनी इस थ्योरी के लिए और ज्यादा सबूत जुटाने में लगा दिए, लेकिन फिर भी तब तक वैज्ञानिक जगत में किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। इसी बीच 1932 में रशियन फिजिसिस्ट लेव लैंडाउ भी चंद्रशेखर की ही तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर कोई स्टार हमारे सन से 1.4 गुना बड़ा है तो वो वाइट डॉर्फ नहीं बनता, बल्कि और कोलैप्स होता चला जाता है। लैंडाउ ये चाहते थे कि दुनिया को अपने इस निष्कर्ष के बारे में बताएं, लेकिन मुश्किल ये थी कि उस वक्त सोवियत रशिया में जोसेफ स्टालिन इंटेलेक्चुअल्स पर अत्याचार कर रहा था। लैंडाउ भी इसी जुल्म का शिकार हुए और स्टालिन ने उन्हें रशियन कॉन्सेंट्रेशन कैंप गुलाग में भेज दिया।
लैंडाउ के सहयोगी जॉर्ज गेमोव ने जब पहली बार स्टार्स के न्यूक्लियर फ्यूजन की बात को दुनिया के सामने रखा तो उनके इस विचार को जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रिट्ज हाउटरमैन और वेल्स के वैज्ञानिक रॉबर्ट एटकिंसन ने आगे बढ़ाते हुए एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई फ्यूज होकर हीलियम के न्यूक्लियाई में तब्दील होते हैं और यही न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स को करोड़ों सालों तक रोशन करता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए साल 1939 में हांस बेथ ने भी एक पेपर प्रकाशित किया। ये दोनों पेपर्स आज स्टार्स के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को समझने के लिए मील का पत्थर माने जाते हैं। इन सारी वैज्ञानिक प्रगतियों से अलग चंद्रशेखर किताबें लिखने में व्यस्त थे। वो अब भी एडिंगटन के दुर्व्यवहार से दुखी थे, लेकिन वो जानते थे कि ये सवाल अभी तक खड़ा है कि सन से डेढ़ गुना बड़े स्टार्स की नियति कोलैप्स होने के बाद क्या होती है। इस सवाल ने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और उनके सहयोगी रिचर्ड टॉलमैन को भी उलझा रखा था। इन दोनों ने लैंडाउ के पेपर को पढ़ा था, लेकिन चूंकि लैंडाउ सोवियत गुलाग में कैद थे इसलिए उनसे बातचीत की कोशिश नाकाम साबित हुई। टॉलमैन ने एक तरकीब लगाई कि क्या न्यूटन के इक्वेशंस की बजाय आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के इक्वेशंस का इस्तेमाल कर बहुत बड़े स्टार्स की नीति का पता लगाया जा सकता है। ओपनहाइमर ने ऐसे स्टार्स का विश्लेषण शुरू किया जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए अपने फ्यूल यानी हाइड्रोजन का पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं। दरअसल स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन से निकली हीट से ग्रेविटी को बैलेंस कर उन्हें कोलैप्स होने से रोकते हैं। ये कुछ ऐसे होता है, स्टार्स का हाइड्रोजन खत्म होने से वो सिकुड़ने लगते हैं, जिससे बहुत ज्यादा दबाव बनने लगता है और स्टार्स का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे स्टार्स पहले हीलियम, फिर कार्बन और ऐसे ही हैवियर एलिमेंट्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर फ्यूजन के फ्यूल के रूप में करना शुरू कर देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया साइकिल के रूप में चलती है, यानी पहले सिकुड़न, फिर टेम्परेचर का हाई होना जिससे हैवियर एलिमेंट्स का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होना। हैवियर एलिमेंट्स में बदलाव आयरन पर जाकर रुकता है, क्योंकि आयरन सबसे स्टेबल एलिमेंट है जिसे न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आयरन से ज्यादा हैवियर एलिमेंट्स बनाने के लिए स्टार्स को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहीं पर बहुत बड़े यानी सुपर मैसिव स्टार्स छोटे स्टार से अलग हैं। हमारे सन के जैसे छोटे स्टार ये अतिरिक्त एनर्जी नहीं जुटा पाते और इसलिए वो ठंडे होकर वाइट डॉर्फ बन जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्टार्स के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि वो फट जाते हैं। इसे ही हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। बहुत बड़े स्टार्स की मौत कुछ ऐसे ही होती है और यूं मरकर वो अपने अंदर के हैवियर एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में बिखेर देते हैं। हमारे अंदर के हैवियर एलिमेंट्स भी किसी वक्त सुपर मैसिव स्टार्स के दिलों में बने थे। साल 1939 आते तक वैज्ञानिक जगत में सुपरनोवा एक्सप्लोजन को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसी साल ओपनहाइमर और उनके सहयोगी हार्टलैंड स्नाइडर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। ये कदम यूनिवर्स और स्टार्स के बारे में हमारी सोच हमेशा के लिए बदलने वाला था। दोनों ने आइंस्टाइन के E=mc² इक्वेशन का इस्तेमाल कर सुपर मैसिव स्टार्स की नियति पर एक थॉट एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो ये दिखा रहा था कि जैसे जैसे बेहद बड़े स्टार्स अपने अंदर ही सिकुड़ने लगते हैं तो इससे बनी अतिरिक्त एनर्जी उनमें और ज्यादा मास जोड़ती चली जाती है, जिससे और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है और फिर अतिरिक्त एनर्जी मास में क्रिएट हो जाती है। ये कॉन्ट्रेक्शन कुछ ऐसा है जैसे स्टार खुद को ही निगलता चला जा रहा हो। ओपनहाइमर और स्नाइडर ने इस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट को एक पेपर में पब्लिश किया
जिसमें ये दिखाया गया था कि स्टार्स कॉन्ट्रैक्ट होते होते बेहद छोटे बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जो इतना मैसिव होता है कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में अंतहीन छेद बना दे। इसे सिंगुलैरिटी नाम दिया गया। अभी दुनिया इसे ब्लैक होल के नाम से नहीं जानती थी। सितंबर 1939 में जब ओपेनहाइमर और स्नाइडर का पेपर पब्लिश हुआ तो दुनिया जंग की तैयारी में लगी हुई थी। 7 दिसंबर 1941 के दिन जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिससे अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा गया, जिसका उद्देश्य था न्यूक्लियर बम बनाना। 1950 के दशक आते तक प्रिंसटन के प्रोफेसर जॉन आर्चीबॉल्ड व्हीलर ने इस पेपर पर फिर से काम करना शुरू किया। व्हीलर ने ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनने वाली सिंगुलैरिटी को नाम दिया ब्लैक होल। यह नाम बिल्कुल सटीक था, क्योंकि बेहद ज्यादा मास की वजह से स्पेस टाइम के फैब्रिक में सिंगुलैरिटी जो कर्वेचर बनाती, उसकी ग्रेविटी से लाइट तक नहीं निकल पाती। यही उन्हें ब्लैक बनाता है। डोनट के जैसे आकार का वो एरिया जिसके इर्द गिर्द स्टार्स घूमते हैं, उसे नाम दिया गया एक्रीशन डिस्क, और ब्लैक होल के आखिरी छोर को कहा गया इवेंट होराइजन। ब्लैक होल के प्रति वैज्ञानिक जगत में दिलचस्पी बढ़ने लगी। 1970 के दशक आते तक कई वैज्ञानिक ब्लैक होल के रिसर्च में लग गए। उनमें से कुछ खास नाम थे स्टीफन हॉकिंग, किप थॉर्न और रॉजर पेनरोज। स्टीफन हॉकिंग को ALS नाम की बीमारी थी, जिससे उनकी मसल धीरे धीरे पैरालाइज होने लगी। एक वक्त आते तक हॉकिंग को बोलने तक में दिक्कत आने लगी, लेकिन उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हॉकिंग ब्लैक होल के होने के सबूत जुटाने रशिया पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात याकोव जेल्डोविच से हुई, जो सेंटर ऑफ कॉस्मोलॉजी मॉस्को के जाने माने वैज्ञानिक थे। जेल्डोविच ने हॉकिंग को एक आइडिया दिया कि अगर वो ब्लैक होल को खोजना चाहते हैं तो ऐसी खाली जगह की तलाश करें जिसके इर्द गिर्द स्टार्स ऑर्बिट कर रहे हो। स्टीफन हॉकिंग जब रशिया से वापस आए तो उन्होंने इंसानी इतिहास के सबसे बड़े कमालों में से एक कर दिखाया। अपने दिमाग की बदौलत हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को जोड़कर ब्लैक होल को समझने के रास्ते दुनिया के लिए खोल दिए। हॉकिंग ने कहा, ब्लैक होल किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में एक डायनेमो की तरह है। ये ब्लैक होल्स एनर्जी रेडिएट करते हैं। जितना ज्यादा छोटा ब्लैक होल होगा, उतनी ज्यादा रेडिएशन होगी। इन रेडिएशंस को आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने तकरीबन हर गैलेक्सी के बीचों बीच सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के होने के सबूत जुटा लिए, और आज हमारे सामने ब्लैक होल की तस्वीर भी मौजूद है। हमारी आज की फिजिक्स भी पूरी तरह से ब्लैक होल्स को समझने में नाकाम है। ये हमारे विज्ञान के सामने किसी चुनौती की तरह है। लेकिन इतिहास को अगर देखा जाए तो जब जब इंसानी दिमाग का सामना चुनौतियों से हुआ है, जीत हमेशा इंसानों की ही हुई है। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है विज्ञान कथा में।